तटीय मैदान का आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व। संपूर्ण मैदान बहुत उपजाऊ है। मैदान के चौड़े भागों में चावल, गन्ना एवं नारियल की खेती की जाती है। तटों पर नारियल, सुपारी, रबर, केले एवं गरम मसाले की खेती होती है। पहाड़ी ढलानों पर काजू, कॉफ़ी, चाय व गरम मसालों के बगीचे लगाए जाते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में नमक की खेती भी होती है। बड़े पैमाने पर नमक तैयार करने का कार्य यही होता है। मछली पकड़ने का कार्य भी यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, अतः मीठे पानी एवं खारे पानी से मिलने वाली दोनों प्रकार की मछलियाँ बहुतायत मात्रा में मिलती हैं। सीप से मोती निकालने का कार्य भी किया जाता है। कहीं कहीं तटीय क्षेत्रों में, विशेषकर गुजरात तट पर, मोती हेतु सीप पालन किया जाता है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भी ये मैदान महत्वपूर्ण है। तटवर्ती क्षेत्रों के बालू में बहुमूल्य खनिज मोनाजाइट, इल्मेनाइट, जिरकॉन, रुटाइल, सिलिमेनाइट आदि मिलते हैं। ये सभी परमाणु ऊर्जा के विपुल स्रोत हैं। तट के निकट समुद्र में खनिज तेल के भी पर्याप्त भंडार मिले हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मुंबई हाई और कावेरी खनिज तेल के भंडार यहीं हैं। व्यापारिक दृष्टि से ये मैदान बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के सभी बड़े बंदरगाह जैसे कांडला, मुंबई, मार्मागोवा, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप आदि तटीय मैदान में स्थित हैं। इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से देश का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। ये मैदान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी हैं। प्रसिद्ध रामेश्वरम, कन्याकुमारी, कांचीपुरम, मदुरई के मंदिर, सेंट फ्रांसिस जेवियर गिरजाघर यहीं हैं। दोनों तटों के सहारे ही बाहर से आने वाले अरबी, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी व्यापारियों ने यहाँ अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनवाई थी। तटीय मैदान प्राकृतिक सौंदर्य के धनी हैं, साथ ही स्वास्थ्यवर्धक भी हैं। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। मानव बसाहट भी यहीं सघन है।